प्लेबैक सिंगर आदित्य नारायण हाल ही में पिता बने हैं। नन्ही सी परी आ चुकी है आदित्य नारायण के घर पर। बता दें आपको, सोशल मीडिया के जरिए आदित्य नारायण और उनकी पत्नी एक्ट्रेस श्वेता अग्रवाल ने इस गुड न्यूज को शेयर किया कि उनके घर एक नन्ही सी परी ने दस्तक दी है। आपको बता दें 24 फरवरी के दिन श्वेता अग्रवाल ने अपनी बेटी को जन्म दिया था। सोशल मीडिया पर बधाइयों का सिलसिला जारी है। आदित्य हमेशा ही एक बेटी चाहते थे और आदित्य की ये विश पूरी भी हो चुकी है। जहां एक तरफ आदित्य पिता बन चुके हैं, वहीं उन्होंने एक बेहद बड़ा फैसला भी ले लिया है। जी हां, जो फैंस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। बता दें आपको, आदित्य नारायण जिन्होंने सिंगिंग की दुनिया में अपनी बेहतरीन और खास पहचान बनाई, लेकिन वह दूसरी ही तरफ एक्टर और होस्ट के तौर पर भी जाने जाते हैं। अब तक कई टीवी रियलिटी शोज को वह होस्ट कर चुके हैं। साल 2007 में होस्ट के तौर पर जीटीवी के पॉपुलर रियलिटी शो सारे गामा पा के साथ उन्होंने डेब्यू किया था। और इसी के साथ सारे गामा पा भारतीय टेलीविजन के साथ उनका सफर शुरू हुआ। लेकिन अब उन्होंने एक बड़ा फैसला ले लिया है। सारे गामा पा के साथ ही राइजिंग स्टार और इंडियन आइडल के कुछ सीजन भी उन्होंने होस्ट किए। वहीं अब आदित्य नारायण ने जो फैसला लिया है, उसे उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए भी बताया है। आदित्य ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरों को शेयर किया है। रियलिटी शोज के दौरान की तस्वीरों को उन्होंने शेयर किया है और लिखा है, भारी मन के साथ मैं एक ऐसे शो की होस्टिंग से विदा लेता हूं जिसने मुझे एक अडल्ट के रूप में पहचान दी। सारे गामा पा 18 साल के टीनेजर से लेकर एक युवा होने तक एक खूबसूरत पत्नी और बेटी के साथ 15 साल 9 सीजन और 350 एपिसोड समय वाकई उड़ता है। इस तरीके से आदित्य ने इमोशनल कर देने वाला पोस्ट शेयर किया है और यहाँ पर बता दिया है कि वह शो छोड़ रहे हैं। होस्टिंग को लेकर उन्होंने ये बड़ा फैसला ले लिया है और इस पोस्ट को देखने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस उनसे कई सवाल पूछते हुए देखे जा रहे हैं। वेल, आदित्य नारायण ने आखिरकार ये फैसला क्यों लिया है, ये तो सिर्फ आदित्य नारायण ही बता सकते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9।